हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिस तितिक्षा एंड आई एम तितिक्षा भंडारी एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड फैशन एंड ब्यूटी सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे एट 11:11 AM व्हेनेवर आई पोस्ट दिस वीडियो इज अबाउट द H&M क्लोथिंग हॉल तो यही भी हॉल वीडियो बचा हुआ था तो मैंने H&M बैग हॉल और H&M फुटवेयर हॉल ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं So this is about clothing haul. So without any further delay, let's start the haul. So my first item is a jacket. Actually it is for winter. तो मेरे winter में बहुत काम आने वाला है. It's like this. और इसमें ये टीच बटन्स हैं आगे से और साथ में zip भी है. Try on all parts भी मैं आपको दे दूंगी तो साइड में try on all parts भी आ जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लग जाएगा. Waist में we have this elastic as well. So hope you can see this elastic to adjust it और ये बहुत ही beautiful jacket है puffed jacket है it's a sleeveless jacket और I got it for 999 rupees so ये शायद 1999 या 2199 का था और I got it for 999 और I am in the size extra small so this is the jacket और इसके अंदर का fabric भी बहुत अच्छा है बट ये बाहर का जो फैब्रिक है बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी था मुझे ऐसा चाहिए था इसलिए मैंने ये ले लिया बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा अभी देखते हैं कितना चलता है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ख़राब हो सकता है ओवरऑल आई लव दिस जैकेट और ये मुझे बहुत ही अच्छे डील में मिला है सो दैट्स द गुड पॉइंट दिस इज द फर्स्ट आइटम सेकेंड आइटम इज अ टॉप इट्स अ वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल टॉप इस पर एक स्टेन लग गया है मेरे से ही लगा है उस टाइम तो शायद था नहीं मैंने ध्यान नोटिस किया नहीं बट मेरे को लगा है मुझसे ही लगा है स्लीवलेस टॉप अब ये मुझे पड़ा 299 का इसमें 799 लिखा था और आई गॉट इट फॉर 299 और मुझे बहुत ही अच्छा लगा व्हाइट बेसिक टॉप है इट्स इन द साइज अगेन एक्स्ट्रा स्मॉल और इट्स अब एवरग्रीन कलर व्हाइट एंड ब्लैक तो एवरग्रीन होते हैं वो किसी के साथ भी मैच कर लेते हैं तो मैंने ले लिया सो थर्ड इज अ क्रॉप टॉप और यू कैन से हॉल्टर नेक टॉप सो दिस इज इन अ साइज व्हाइट और ये बैक से ऐसा है बैग से कुछ ऐसे दिखता है एंड आई गॉट इट फॉर 149 रुपीज कैन यू बिलीव दिस 399 का टैग था और मुझे 149 में मिला तो मैंने ले लिया शर्ट्स के अंदर पहनने के लिए मुझे ऐसा एक क्रॉप टॉप टाइप चाहिए था तो मैंने ले लिया इसके बाहर से आप खुली शर्ट्स पहन के डाल सकते हो जो कि आई यूजुअली डू तो मैंने इसलिए ले लिया नेक्स्ट इज अगेन अ पिंक टॉप एंड इट्स अ क्रॉप टॉप और इसका जो नेक है वो वी शेप में जो मुझे बहुत ही पसंद आया इसका बैग कुछ ऐसा दिखता है और इट इज ओगेना हॉल्टर नेक उसका जो हॉल्टर नेक था उसमें टाई अप वाला सिस्टम था व्हाइट वाले में और इस पिंक वाले में डायरेक्ट है बट ये फिट बहुत अच्छे से होता है मुझे सो आई लव दिस इट्स अगेन फॉर 399 एंड आई गॉट इट फॉर 199 रुपीज सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस टॉप सो माई फिफ्थ आइटम इज अ शर्ट इट्स अ स्लीवलेस शर्ट Can you see that? It's a long sleeveless shirt. तो आप बहुत वे से स्टाइल कर सकते हैं इसलिए मैंने ये ली एक्चुअली आप इसको एज अ ड्रेस पहन सकते हैं आप वेस्ट में एक बेल्ट पहन के साथ में इसको एज अ ड्रेस पहन सकते हैं जो कि मेरे को बहुत पसंद आया आप इसको अंदर से कुछ पहन के आप इसको बाहर से ऐसा ओपन अप श्रक टाइप भी पहन सकते हैं बेसिकली आई लव दिस शर्ट और सो इट्स प्राइस इज 49 एंड इट्स डिस्काउंटेड प्राइस इज 399 एंड आई गॉट इट फॉर अगेन अ वेरी गुड डील So I bought it. So next item and last item is my favorite one. It's a black sequins dress. और ये मैंने special date ले ली है It's for my birthday, जो कि अभी September में है But मैंने अभी से ले ली क्योंकि उस time last time में एक birthday dress चाहिए होती है और वो हम ले नहीं पाते It's like this. फोटो साइड से लगा दूंगी ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी H&M के ऐप से सो मैं आपको साइड पे फोटो अटैच कर दूंगी कैसे दिखती है और ये इसका बैक है इट्स बैकलेस एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस इट्स लाइक दिस और मैंने तो जैसे इसको देखी आई वॉज लाइक कि इस बर्थडे में मैं यही ड्रेस पहनूंगी सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस इट्स फॉर 1999 एंड आई गॉट इट फॉर 999 रुपीज सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई गॉट इट फॉर अ वेरी गुड प्राइस तो इस बर्थडे में मैं अभी तक तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं यही ड्रेस पहनूंगी So this is for my birthday. So this is the last clothing item. Actually, I forget to tell you the sizes. So जो white और pink वाला crop top है this is in the size medium. जो shirt है वो in the size extra small और जो मेरी sequins वाली dress है black dress that is in the size medium. So मेरे को एक question बहुत time से आ रहा था कि आपने कौन से H&M से shopping करी है क्योंकि मैंने इससे पहले भी H&M के दो hauls डाले हैं जो कि footwear था और bag था this one is for clothing.
सो मैंने H&M की कोई पर्टिकुलर जगह से शॉपिंग नहीं की है. मैंने लास्ट 20 डेज में मैंने फ्रॉम दिल्ली के H&M से भी शॉपिंग करी है, एम्बियंस मॉल के, मैंने देहरादून के H&M से भी शॉपिंग करी है. मैंने कुछ आइटम ऑनलाइन मंगाए हैं और कुछ आइटम्स मैंने इंदौर के H&M से शॉप. लास्ट 20 डेज में मैंने थोड़ा ट्रैवल किया है डिफरेंट डिफरेंट जगह और मैंने अलग अलग जगह से शॉपिंग करी है और आपको अलग अलग कैटेगरीज में हॉल बना के दिखाया है. तो अगर आपने मेरा बैग और फुटवेयर हॉल नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक में दे दूंगी, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. सो होप यू लाइक माय ऑल H&M वीडियो सीरीज और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड होप यू लव देम. शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई पोस्ट वीडियोस एवरी ट्यूजडे एंड एवरी सैटरडे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.